हेलो एवरीवन, मैं हूँ मेघा। आज मैं आपको ट्विन्स प्रेगनेंसी के 20 वीक्स के बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। और 20 वीक्स का मतलब है कि आप लगभग अपनी प्रेगनेंसी का आधा टाइम कवर कर चुके हैं और आपके पैरों में ऐंठन भी हो सकती है। और इस वीक से आपके शरीर में ट्वीन्स प्रेगनेंसी के कुछ दुष्प्रभाव होने की भी संभावना हो सकती है। इस वीक से आपके शरीर में कौन कौन से लक्षण रहने वाले हैं? हो सकता है कि इस वीक भी आपके कुछ पुराने लक्षण रहे, एंड ये भी हो सकता है कि आपके अंदर कुछ नए लक्षण भी आ सकते हैं। और इस वीक से आपका जो पेट है वो भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इस वीक से जो आपका गर्भाशय होता है वो आपकी नाभि तक या फिर उससे ऊपर भी हो सकता है। और इस वीक से ज्यादातर महिलाओं को अपने बेबी की मूवमेंट महसूस होने लगती है, लेकिन अगर आपने अभी तक महसूस नहीं की है तो आप चिंता ना करें, आने वाले टाइम पे आपको भी होने लगेगी। और आपको कभी कभी गैस या फिर फड़फड़ाहट जैसा महसूस हो सकता है, और आपके बच्चे घूमते भी हैं, बट आपको इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ेगा तो आपको अपने बेबी की किक एंड हलचल बहुत ही अच्छे से महसूस होने लगेगी। और इस वीक से आपको एनीमिया की भी शिकायत हो सकती है। अगर आपको एनीमिया की शिकायत है तो इसका मतलब होता है कि आपके अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसमें रेड ब्लड सेल्स का स्तर कम है। और रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि वे आपके अंगों तक ऑक्सीजन को ले जाने का काम करती हैं। और अगर यदि आप एनीमिक हैं, यानी कि आपके अंदर ब्लड की कमी है, तो आपको बहुत ज्यादा थकान एंड बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो सकती है। और ट्वीन्स प्रेगनेंसी में ब्लड की कमी होना बहुत ही नॉर्मल होता है। अगर आप चाहती हैं कि आपके अंदर ब्लड की कमी ना हो, तो इसके लिए आपको जो आयरन की टेबलेट दी जाती है वो आपको रेगुलर लेनी है, और आपको आयरन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन जरूर करना है। जैसे कि आप ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियां लें, जिसमें आप पालक है, बीन्स है एंड बीफ है, इनका सेवन ज्यादा करें, और चुकंदर भी लें। और आपको विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थ भी लेने हैं, जैसे कि संतरा है एंड टमाटर है। विटामिन सी लेने से क्या होता है, आप जो भी आयरन लेती हैं उसको आपकी बॉडी में अवशोषित करने में मदद मिलती है, इसलिए आप इनका अधिक से अधिक सेवन जरूर करें। और इस वीक से आपके अंदर रिलेशन रखने की इच्छा बहुत ज्यादा हो सकती है, और ये आपके हार्मोन्स के कारण होती है, और कुछ महिलाओं में ये इच्छा कम भी हो जाती है, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और अगर आप रखना चाहती हैं रिलेशन तो बिल्कुल रख सकती हैं, बट याद रखें बहुत ही सावधानी से एंड बहुत ही संभल कर करें, बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, और अपनी सही पोजीशन का ध्यान जरूर रखें। और इस पर एक मेरा वीडियो भी है, आप उसको भी देख सकते हैं, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इस दौरान आपके पैल्विक क्षेत्र में ब्लड फ्लो बहुत तेज हो जाता है, और ये भी एक कारण होता है आपकी सेक्स की इच्छा को बढ़ाने का। और इस वीक से आपकी त्वचा में भी परिवर्तन आ सकता है। ट्वीन्स प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन्स का मेलानिन पर प्रभाव पड़ सकता है, और मेलानिन का काम होता है आपकी त्वचा के रंग को बदलना। और कुछ महिलाओं के चेहरे पर मोलाश्मा नामक त्वचा परिवर्तन भी हो सकता है, जो एक धब्बेदार गहरा रंग द्रव्य होता है। और इस वीक से आपके पेट पर एक काली लाइन भी हो सकती है, जिसको लिनिया नाइग्रा बोला जाता है, और आपके निप्पल्स के चारों तरफ गहरा रंग भी हो सकता है। ट्वीन्स प्रेगनेंसी के 18 से 22 वीक के बीच में डॉक्टर एक अल्ट्रासाउंड करेंगे, जिसको एनाटॉमी स्कैन बोला जाता है, और इसके द्वारा आपके बेबी का डेवलपमेंट एंड उसके अंदर कोई विसंगति तो नहीं है या फिर कोई समस्या तो नहीं है, और आपके बच्चे का लिंग निर्धारण, एम्ब्रियोटिक फ्लूइड एंड बच्चे का आकार, और आपका प्लासेंटा कहाँ पे है, और आपके बच्चों की हृदय की गति, इन सभी चीजों की जांच की जाती है। अब हम बात करते हैं कि आपके बेबी का डेवलपमेंट इस वीक में कितना हो जाता है। तो आपके बेबी की लंबाई लगभग 26 सेंटीमीटर यानी कि 10.2 इंचेस के आसपास हो जाती है, एंड आपके बेबी का जो वजन है वो लगभग 300 ग्राम के आसपास हो जाता है। 20 वीक से आपके बेबी बहुत तेजी से डेवलप हो रहे हैं, लेकिन अभी भी उनको बहुत कुछ डेवलप करना बाकी है। 20 वीक में आपके बच्चे
एक सफेद मोमी पदार्थ से ढके हुए हैं, जिसको वर्निक्स कैसोसा कहा जाता है और ये आपके बच्चे की एमनियोटिक द्रव में तैरते समय रक्षा करती है। और वर्निक्स कैसोसा आपके बच्चे को डिलीवरी के टाइम बाहर निकलने में भी काफी ज्यादा मदद करती है। और ये जो परत होती है तो आप कुछ बच्चों के जन्म के बाद भी उनके शरीर पर देख सकते हैं। और आपके बच्चों के शरीर पर बाल भी आने लगे हैं, जिन्हें लैनिगो कहा जाता है। और ये बाल आपके बच्चे की त्वचा की रक्षा करते हैं और गर्भ में आपके बच्चे के शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करने में मदद करेंगे। और ये जो बाल होते हैं वो डिलीवरी से पहले ही झड़ जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चों के बाल जन्म के बाद भी रहते हैं। और आपके ट्वींस बेबी की पलकें और भौहें भी आ चुकी हैं और बहुत ही जल्द आपके ट्वींस बेबी के सर के बाल भी उगाएंगे। और आपके बच्चों की गति, समन्वय एंड मांसपेशियों की शक्ति इस वीक तक काफी ज्यादा परिपक्व हो जाती है और आपके बेबी अब और अधिक सक्रिय हो जाते हैं। और आपके बच्चे का पाचन तंत्र भी अब काम कर रहा है और आपके बेबी के मस्तिष्क में भी बहुत कुछ डेवलप हो रहा है, जैसे कि स्वाद, गंध एंड श्रवण और दृष्टि, स्पर्श के लिए जिम्मेदार मस्तिष्क के क्षेत्र भी डेवलप हो रहे हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।